भारत और ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट मजेदार चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 338 रन बनाए, जिसके जवाब में तीसरे दिन लंच तक भारत ने 180 पर 4 रन बना लिए हैं। तीसरे दिन के खेल के पहले सेशन में भारत ने 2 विकेट गवाए, लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने जिस धीमी रफ्तार से बल्लेबाजी की उसकी फिर से खूब चर्चा हुई। चेतेश्वर पुजारा एक बार फिर इतना धीमा खेले कि उन्होंने 100 गेंदें खेलते हुए अपने करियर का सबसे कम स्कोर बना दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पुजारा ने 100 गेंदें खेली और सिर्फ 16 रन बनाए। 100 गेंदें खेलने के बाद ही उनके टेस्ट करियर का सबसे कम स्कोर है। तीसरे टेस्ट में खेली इन 100 गेंदों में पुजारा के बल्ले से एक भी चौका नहीं आया। पुजारा ने अपने पूरे करियर में 48 बार 100 गेंदों का सामना किया है, जिसमें ये उनका सबसे कम स्कोर है। इससे पहले इसी सीरीज में एडिलेड में खेले गए मुकाबले में पुजारा ने 100 गेंदें खेलकर सिर्फ 18 रन बनाए थे। हालांकि 100 गेंदों के बाद उन्होंने अपनी पारी को थोड़ी सी रफ्तार दी और अगली 44 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए। तीसरे दिन के खेल में लंच से पहले भारत ने 2 बड़े विकेट गंवाए। सबसे पहले कप्तान अजिंक्य रहाणे पैट कमिंस की गेंद पर बोल्ड हो गए, वहीं हनुमा विहारी रन ना बना पाने के प्रेशर में गलती का रन आउट हो गए। हालांकि अच्छी खबर ये भी है कि पुजारा का साथ देने के लिए ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि भारत अब भी ऑस्ट्रेलिया के पहले पारी के स्कोर से 158 रन पीछे है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी विपिन ने, मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।